हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञास किचन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान और गुजरात की प्रसिद्ध रेसिपी और बहुत ही टेस्टी और दो तरीके से बनाना हम सिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही अलग रेसिपी, इसके बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। तो पहले डो तैयार कर लेते हैं। एक बड़ा बर्तन लिया है और ये मैं 2 कप आटा ले रही हूँ। जो घर में रूटीन में अपन रोटी बनाते हैं वही वाला आटा लिया है। कोई भी बर्तन सेट कर लें आप, उसी से सारा मेजरमेंट करें। और 1 कप के नाप से मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप बेसन लिया है। इससे ढोकली का टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए आप ये ज़रूर डालें। और मैंने यहाँ पर ये 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून जितना ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टी स्पून नमक लिया है और ये मैंने 1/2 टी स्पून जितनी अजवाइन ली है। इसको मैं हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पर ये मैंने 1-2 पिंच गरम मसाला लिए, टोटली ऑप्शनल, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। 1-2 पिंच हींग डाल देते हैं। और ये सब मसाले एक बार अपन चम्मच से अच्छे से मिक्स करके इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इसके अंदर अपन मोइन डालने वाले हैं। यहाँ पर मैं मोइन 2 टेबल स्पून के बराबर डाल रही हूँ। इससे अपनी ढोकली एक तो सॉफ्ट बनेगी और हल्की सी ये फूलेगी भी। मोइन को आप अच्छे से मिक्स करें तो अपने को बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, कंप्लीट फूड है। और देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ज़्यादा मोइन नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। अब इसका डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप नॉर्मल वाटर ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपने को सख्त डो तैयार करना है। और मैंने ये डो तैयार कर लिया है। डो तैयार करने में मेरे को 1 कप पानी लगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो तैयार करें, क्योंकि सबके आटे की पानी सोखने की क्षमता अलग अलग होती है। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखते हैं। ढोकली के लिए अपने को ये गंवार फली चाहिए, इस तरीके की आती है, देख सकते हैं। और इसको अपने को ऊपर से और नीचे से जो इस तरीके से ये आता है, देख सकते हैं, ये हटा लें और नीचे से भी इसका थोड़ा सा हटा ले। और इसके अपन को कटिंग करनी है, छोटा या बड़ा आप किसी भी तरीके से जैसा आप चाहें वैसा कट कर सकते हैं। मैं इस साइज का कट करी हूँ, आप चाकू से कट करें या कैंची से कट करें, बहुत सावधानी से आप इसको कट करें या फिर हाथ से भी इसको तोड़ सकते हैं। अब मैं कैंची से आपको दिखाती हूँ। कैंची से एकदम बराबर की आती है और जल्दी काम हो जाता है। ये मैंने 1 कप जितनी गंवार फली को सुधार लिया है। अब अपन इसको तो रखते हैं साइड में। अब फली की सब्जी तैयार करने के लिए अपने को ग्रेवी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए, इनको कट कर लिया, और 1 हरी मिर्च ली, उसका भी अपन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया। अब अपने को ढोकली के लिए सब्जी चाहिए, तो सब्जी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। इसके अंदर मैं ये 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। इसको आप घी में भी तैयार कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून जितनी मैं राई डाल रही हूँ। अभी गैस की फ्लेम लो पे है और यहाँ पर मेरे पास ड्राई वाले करी पत्ता है। आपके पास अगर फ्रेश है तो वो ले। मैं यहाँ पर 10-15 ही करी लीव ले रही हूँ। 1/4 टी स्पून जितनी हल्दी पाउडर और इसी के साथ ऐड कर रही हूँ मैं 2-3 पिंच हींग। इसमें हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप अच्छे से हींग डालें। और 1/2 टी स्पून जितना ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और अब मैं ये 1/2 टी स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। अपन ने ढोकली का डो तैयार करते समय अच्छी मिर्ची डाल दी थी, तो अभी मैं ये थोड़ी कम डाल रही हूँ। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको हल्का सा मसाले को रोस्ट कर लेते हैं, इससे क्या होगा ढोकली में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब अपन ने जो ग्रेवी तैयार करके रखी है ये इसमें डाल देते हैं और इसको भी एक बार अपन अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम मीडियम पर रखी है और अब मैं इसी के साथ ये 1 कप जितना पानी डाल रही हूँ। अब ढककर अपने को लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। और 5 मिनट बाद अपने को ये फली जो तैयार करके रखी है इसके अंदर डाल देते हैं। और अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करें। उससे पहले अभी तक अपने नमक नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पर ये 1/2 टी स्पून जितना नमक डाल रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढककर कुक होने देते हैं। डो देख लेते हैं, डो को रेस करे भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसको हल्की सी मसाज दे लेते हैं
और जो ऑथेंटिक तरीके से ढोकली तैयार करते वो बताती हूँ। एक छोटा सा बोल लें और हाथों से इस तरीके से घुमाते हुए इसको बड़ा करें। साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और बीच में इस तरीके से हाथ से ही छेद कर लेते हैं। आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, बट आज हम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही झटपट तैयार करने वाले। बॉल तैयार किया और बैलेंस से अपने को इसकी रोटी तैयार करनी है। कितनी मोटाई रखनी है मैं दिखाती हूँ आपको। और ये मैंने पूरा इसको बेल लिया है, देख सकते हैं इसकी मोटाई ऐसी रखी है। ये ढोकली थोड़ी मोटी होती है। अब इसकी कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ये कुकी कटर ले रही हूँ। आप कोई भी ढक्कन या कटोरी ले सकते हैं, साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये मैंने कुकी कटर से कट करी, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ढोकली तैयार हुई है। अब इसके बीच में छेद करने के लिए आप चाहें तो हाथ से भी ऐसे छेद कर सकते हैं, या फिर ये गोटनी होती है लकड़ी की, इससे भी आप छेद कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने को सारी ढोकली तैयार करनी है। और ये मैंने सारी ढोकली तैयार कर ली, देख सकते हैं आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, क्योंकि अपना डो एकदम परफेक्ट तैयार हुआ था। और साइज़ भी सबका सिमिलर है, क्योंकि अपन ने कुकी कटर से कट करी है। और अब अपने को ढोकली स्टीम करनी है। स्टीम करने के लिए आप इस तरीके का छेद वाला धामा लेंगे, स्टीमर है आपके पास जो है उसमें आप स्टीम कर सकते हैं। और जो तैयार ढोकली है अब इसके अंदर सारी डाल देते हैं और पूरा अच्छे से इसमें फैला कर ही डालें। यहाँ पर आज अपन बिना उबाले ढोकली तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसको उबाल भी सकते हैं। और साइड बाय साइड मैंने 2 लीटर पानी भी बॉईल करने रख दिया है और ढककर इसको उबलने देते हैं। और ये अपना पानी उबल चुका है। अब अपन ने जो ढोकली रखी है अब इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। और 15-20 मिनट बाद ये अपनी ढोकली स्टीम हो चुकी है, देख सकते एकदम अच्छे से ये स्टीम हुई है। अब इसको अपन निकाल लेते हैं। अब सब्जी देख लेते हैं और ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बट आज अपन ढोकली के साथ बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैं ये 2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको अभी ढककर पानी को एक बार उबलने देते हैं। और ढोकली मैंने बिल्कुल देख सकते हैं अलग अलग कर ली है, बहुत ही अच्छी ढोकली बनकर तैयार हुई है। और ये इसमें सब्जी में भी वापस बॉईल आ चुका, तैयार ढोकली इसके अंदर डाल देते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करें, आपको ऐसी बहुत सी अमेजिंग सी रेसिपीज देखने को मिलेगी। ये मैंने सारी ढोकली इसमें डाल दी है। एक बार अच्छे से सब्जी के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। आपको झोल वाली पसंद है तो पानी इसमें आप और डाल सकते हैं, और इसको फ्राई पसंद है तो पानी आप थोड़ा कम डालें। अभी मैं इसके अंदर 1 कप जितना पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि ये ढोकली पानी धीरे धीरे सोखती रहती है। मेरे को नमक थोड़ा कम लगा है तो 1 टीस्पून जितना नमक और डाल रही हूँ। और 5 मिनट के ढककर इसको कुक होने देते हैं। सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है, बट आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाने वाले हैं। 5 मिनट बाद देख सकते हैं अपने जो पानी डाला है पूरा सूख चुका है। आज मैं फ्राई वाली ढोकली ही तैयार कर रही हूँ। अगर आपको झोल वाली ढोकली पसंद है तो आप यहाँ पर 2-2.5 कप पानी और ऐड कर दें, क्योंकि ढोकली जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे पानी सोखती जाती है। इसलिए जब आपको खाना सर्व करना है उसी समय सब्जी के अंदर आप ढोकली मिक्स करें और इस तरीके से तैयार कर लें। मैं ऊपर से बारीक चॉप हरा धनिया डाल रही हूँ और ये अपनी डिलीशियस चटपटी वाली ढोकली बनकर तैयार है। अब अपन इसको सर्व करते हैं। आप इसको लंच में, डिनर में या बच्चों के टिफ़िन में डालें, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।